वह मंगल क्षण नजदीक आ गया है। प्रधानमंत्री आवास परियोजना के तहत रे नगर हाउसिंग फेडरेशन के 15,000 लोगों को घरों का हस्तांतरण होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस परियोजना के कुछ लाभार्थियों को अपने कर कमलों से घरों की चाबी सौंपकर परियोजना का लोकार्पण करें। मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर सुनीता मुदप्पा जगले और उनके पति मुदप्पा बरप्पा जगले इनको। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे इन लाभार्थियों को घरों की चाबी सौंपकर लोकार्पण करें। सुनीता मुदप्पा जगले और उनके पति मुदप्पा मरप्पा जगले अभी न्यू जगजीवन राम झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और अपने खुद के घर में मकान में वो अब जाएंगे। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी लता विजय दसरी और उनके पति विजय नारायण दसरी। लता विजय दसरी और उनके पति विजय नारायण दसरी दत्तनगर के गिरी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और उनको आज खुद का मकान इस रे नगर हाउसिंग फेडरेशन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रिजवाना लाल मोहम्मद मकानदार और उनके पति लाल मोहम्मद इस्माइल मकानदार। यह गरीबी हटाव झुग्गी झोपड़ी नंबर 2 में बीजापुर रोड में रहते हैं। इनको भी आज खुद का मकान प्राप्त हुआ है। और मैंने जैसे कि बताया कि इस योजना की परियोजना की यह विशेषता है कि घरों की मालकियत हमारी माओ के बहनों के नाम पर की गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे अपने कर कमलों द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि परियोजना के कुछ प्रातिनिधिक लाभार्थियों को पत्र के रूप में निधि प्रदान करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर विजयालक्ष्मी सूर्यमणि इंगले। विजयालक्ष्मी सूर्यमणि इंगले 10,000 का कर्जा इन्हें आज प्राप्त हो रहा है। जैसे कि हमने बताया कि कोरोना काल में जिनका रोजगार बंद हुआ, जिनके व्यवसाय बंद हुए, उन्हें खुद का रोजगार मिले, व्यवसाय शुरू हो, इसके लिए कर्जा दिया जा रहा है। विजयालक्ष्मी सूर्यमणि इंगले सब्जी राशन की दुकान है इनकी। इसके बाद आमंत्रित करना चाहूंगी अर्चना राजशेखर कट्टा। इनकी रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सोलापुर नगर निगम देश का पहला नगर निगम होगा कि केंद्र सरकार द्वारा ये जो टारगेट दिया गया था उसमें 100% से ज्यादा 127% की सफलता सोलापुर नगर निगम ने प्राप्त की है। इसके बाद नीलोफर असलम शेख इन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। मेस के डिब्बे चलाती है नीलोफर जी घर चलाने के लिए और इन्हें 10,000 का ऋण उसका पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से प्राप्त हो रहा है। टोटल 31 करोड़ से ज्यादा लोन इस परियोजना के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि परियोजना के तहत बांटा गया है। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगी कि हमारी टेक्निकल टीम से कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यह जो घरों का निर्माण हुआ है और महाराष्ट्र में बाकी जिलों में 90,000 घरों का निर्माण हुआ है उसकी जानकारी देने वाला एक छोटा सा वीडियो प्ले करें। टेक्निकल टीम से अनुरोध है।